Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो फुल मून के ऊपर होने वाली है. इस फुल मून से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन के साथ, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, और इस फुल मून से क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, पसंद आएगी तो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में इस फुल मून से. सोलमेट्स, वाओ, अमेजिंग. फर्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स. Connection, beautiful. One more card, thank you. The sacred women, okay. Lovely. अब हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और चेंजेस भी देखेंगे. ओके, फाइव ऑफ वंड्स, द मैजिशियन, और क्या फीलिंग्स हैं उनकी. नाइट ऑफ वंड्स, ओके. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओके. एस ऑफ वंड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू. नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वंड्स, ओके. सो गाइज, यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं. मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या प्रॉब्लम्स हो रखे हो अभी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस या कुछ लोगों का. तो मुझे बहुत ही जैसे झटके वाली सिचुएशन दिख रही, जैसे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, उनको झटका लगा हो, आपको झटका लगा हो, इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर. एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब इस न्यू मून से, इस सॉरी फुल मून से, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ना, आपको सोलमेट्स, या तो आप ये आपके सोलमेट हैं या आपको बहुत ही जल्द अपना सोलमेट मिलने वाला है. ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है बहुत लोगों के लिए, जैसे आप अपने सोलमेट को बहुत ही जल्द मिलने वाले हो या यही पर्सन आपके जो है सोलमेट है. एक चीज़ गाइज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि क्यूपिड्स, जैसे कि लव एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के साथ हैं, आपको उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए वो बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं. और आपको सिर्फ यही करना है, ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आना है और हेल्प मांगनी है एंजल्स से. आपको थैंकफुल होना है, जो भी आपके साथ इस वक्त में हो रहा है उसमें ज़रूर कुछ लेसन दे रहे हैं भगवान आपको, एंजल्स आपको. उस लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है. दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगी कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको आपका सोलमेट कनेक्शन जैसे इस फुल मून से के बाद में ही मुझे लग रहा है आपके जो चेंजेस जैसे हमने आज देखा था, तो वो आपको सोलमेट कनेक्शन आपके मिलने वाले हैं. इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन होगा, या तो वो ये पर्सन हो सकता है या आने वाला पर्सन. बट यस, मैं आपको ये बिल्कुल देख पा रही हूँ. और गाइज ये जो कार्ड है यहाँ पर, ये भी बता रहा है कि आपको उस सोलमेट को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए खुद से प्यार करना होगा. अगर आप खुद से प्यार करेंगे, अपने आप को उतना प्यार देंगे, उतना केयर और इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपको बहुत जल्द वो सोलमेट मिल जाएगा, ठीक है. इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे जैसे आपने इमेजिन किया होगा ना, उस तरीके का सब कुछ होगा इस रिलेशनशिप में. वैसे ही आप दोनों की सेम चॉइसेस होंगी,
आप लोगों का सेम चाइल्डहुड हो सकता है या सेम चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं. कुछ बहुत ही स्पेशल आपको ये पर्सन फील कराएंगे. आपका कनेक्शन जैसे बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है. आप देखिए कितना ही रोमांटिक पिक्चराइजेशन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे. ऐसे ही मुझे लग रहा है आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी तरीके का इंसान आपके जैसे लाइफ में आने वाला है. या तो यही पर्सन के साथ आपका ऐसा कोई डेट प्लान हो सकता है, एक रोमांटिक डेट हो सकता है, कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, आपकी वाइब बिल्कुल एक दूसरे से जैसे मैच करने वाली है. या फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे आपके अंदर ना बहुत हिम्मत है, बहुत पावर है. आपने उस पावर को जानना है, अपने आप को भगवान से आपने कनेक्टेड रखना है. जितना आप ये करेंगे उतना ही मुझे लग रहा है आप प्रॉब्लम से दूर जाते रहेंगे, उतना ही आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जाते रहेंगी, निकलते रहेंगी. आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है, उसको जानने की ज़रूरत है. और वो पावर आप कहाँ से डराइव कर रहे हैं? भगवान से. वो भगवान आपको पावर दे रहे हैं, उनसे मांगिए, वो आपको दे रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है जैसे लाइफ के अंदर. आपका सोलमेट कनेक्शन आपको मिलने वाला है और आपकी लव लाइफ जैसे बहुत इम्प्रूव होती हुई दिख रही है. बहुत सारे लोग यहाँ पे भगवान पे भी बहुत विश्वास रखते हैं, उसी के कारण मुझे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं. जैसे भगवान आपको ब्लेस करने वाले हैं. आप अपने आप को बहुत डिस्करेज करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है, आप उस चीज़ को जानते ही नहीं हैं. मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की विशेज पूरे होते हुए दिख रहे हैं, भगवान जैसे आपको ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं. और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कोई ड्रीम जैसे आपको आएगा और वो जैसे आपके लिए कुछ मैसेज लेकर आ सकता है. वो ड्रीम का एक कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो उसको भी आप ऐसे नहीं जाने दें, उससे भी कुछ मैसेज आपको मिल सकता है. सो आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें, ठीक है? बट आपको गॉड एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है. इस फुल मून से आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं, दिस इज फॉर श्योर. बहुत रोमांटिक डेट पे आप जा सकते हैं, आपका कनेक्शन मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए कोई नया पर्सन आएगा या फिर इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू हो सकता है. अभी मुझे उनकी करंट फीलिंग्स जो आपके पर्सन की ऐसा दिख रही है जैसे वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, परेशान है ये पर्सन, पर ये आप ही को चाह रहे हैं, आप ही को मैनिफेस्ट करें. इस पर्सन ने आपके साथ 110% झूठ बोल रखे हैं, कुछ ऐसे झूठ बोल रखे हैं जो कि आपको मे बी पता चले हैं या फिर पता चलेंगे, ठीक है? जिससे आपका जो विजन है जो आपका ब्लर हो रखा था, आपको क्लैरिटी मिलेगी काफ़ी चीज़ों को लेकर. बट ये पर्सन डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आप ही को चाहते हैं, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपके बिना ये खुश नहीं है. इनको भी बहुत बड़ा जैसे झटका लगा हो, एक कुछ भी जो भी हुआ है ना अभी आपके रिलेशनशिप में, इस चीज़ को तो आप मान के चलिए कि वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, वो आपके बेटर के लिए हुआ है, आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, आपको इवॉल्व करने के लिए हुआ है, वो भगवान की तरफ से हुआ है. इसलिए उस पर दुख ना मनाएं कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. बिल्कुल भी दुख नहीं मनाना है, मेरी बात आप मानिए. इस चीज का आपने बिल्कुल अफसोस नहीं करना है, क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ और आपको भगवान ने कुछ चीज से बचाया है. एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है. ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इन्होंने मेरी चोरी करी हो, आपसे झूठ बोला हो, बट ये अब आपको ही जैसे देख रहे हैं, आप ही को चाह रहे हैं. आप मैनिफेस्ट करिए, जितना भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. ये पर्सन भी आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपके पास आने के लिए कुछ भी करेंगे, आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करेंगे. एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मुझे विशेज फुलफिल होते हुए दिख रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. इनको रिग्रेट होगा, इन्होंने जो गलती करी है इनको रिग्रेट भी है उस चीज़ का. और कुछ ऐसी अभी कोई चीज़ हुई है, मे बी आपने अपनी तरफ से करी है, इनको कोई न्यूज़ पता चली है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे इनको बहुत झटका लगा है. पर ये पर्सन अभी सोच समझ रहे हैं कि वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या उनको करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ना है, आप तक कैसे पहुंचना है, ये सब चीज़ें भी वो सोच रहे हैं. बट मुझे एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है. सोलमेट से आप मिल सकते हैं. अपनी एनर्जीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप विश्वास रखें, क्योंकि आप में बहुत स्ट्रेंथ है. आप उस चीज़ को समझें. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस फुल मून के बाद आपके अंदर बहुत चेंजेस आप देखेंगे, आप अवेकन होंगे, आपको भगवान जैसे
बहुत चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देने वाले हैं, आपको जैसे ब्लेस करने वाले हैं। बट ये बात तो मैं आपको बोलूँगी, लव लाइफ आपकी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं, कुछ लोग कुछ समय स्पेशल मोमेंट साथ में स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जैसे आज फुल मून है, तो इसी के बाद मुझे जो आपकी लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं, और इस पर्सन को इस बात से कुछ बहुत झटका लग सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। ये पर्सन अभी बहुत परेशान है, अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, रिग्रेट भी है इनको डेफिनेटली, पर मुझे लग रहा है कोई बातचीत आप दोनों की हो सकती है और इसी पर्सन के थ्रू होगी, यही पर्सन जैसे आएंगे। पर अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में मुझे ये दिख रहे हैं। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको, एंजल्स गॉड यूनिवर्स क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो आपने इतना सहा है, इतना किया है, इतने एफर्ट्स डाले हैं, वो आपको हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करने वाला है। दूसरा मैसेज फ्योरी, ओके, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है गाइस, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि आपको कोई चीज़ें जो बहुत समय से छुपी हुई थी, रुकी हुई थी, वो आपके सामने आ सकती हैं। कुछ चीज़ें इस तरीके की हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट वो आपके लिए अच्छा ही होगा, जो भी होगा ना वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये आप डिसहार्टन मत होइएगा किसी भी चीज़ से, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, वो आपको रखना ही पड़ेगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, तो कॉन्फिडेंस रखने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत दिख रही है। उसी से ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है आप जानते ही नहीं हैं, आपको लगता है मैं बहुत वीक हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ ही नहीं है, बट अगर आप आज भी खड़े हो जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए फिर से वो बार बार आ रहा है, भगवान के सामने आपने सब चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत दिख रही है, उनको सब चीज़ें अपनी दे दें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। किसी इंसान के आगे कुछ बोलने से कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमेशा भगवान ही आपको हर चीज़ से निकालते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी तरफ से क्या, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो द फर्स्ट मैसेज इज ट्रू लव नेवर डाई, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है। डोंट डाउट, मुझ पे डाउट मत करो, उनको ऐसा लग रहा है आप उन पे डाउट कर रहे हो, बट उन्होंने ऐसा किया है तभी आप डाउट कर रहे हो। ट्विन फ्लेम, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या उनको उनका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, या यही उनका ट्विन फ्लेम है। आई कान गेट ओवर योर थॉट्स, या आपके थॉट्स से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 1st 10th 1928 को इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, या एनिवर्सरी हो सकती है 1/10/1928 को, या फिर इन दिनों में वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, डर रहे हैं कि अब आप इनको रिजेक्ट नहीं कर देंगे। विश कम ट्रू, कोई तो देखिए आपका विश है जो पूरी होने वाली है इस फुल मून के ऊपर। लवली, आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक, मैं ये करना तो नहीं चाहता था बट मैं स्टक था, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मुझे ये करना ही पड़ा है, ऐसा आपको कह रहे हैं। नाउ माई ओनली ड्रीम इज़ टू मैरी यू, अब मेरा सपना सिर्फ यही है कि मैं तुमसे शादी करूँ। आई डोंट हैव इनफ पावर, इनके अंदर जैसे अब हिम्मत ही नहीं बची है कुछ करने की, ये थक चुके हैं जैसे। डोंट क्विट, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुको मत, छोड़ो मत, बस करते रहो। आई लव योर आइज, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है और ये चाह रहे हैं आप हार नहीं माने, आप लड़ें इस रिश्ते के लिए। आई प्रोमिस यू यूनियन, ये आपके साथ रहना चाह रहे हैं और आपको प्रोमिस कर रहे हैं कि मैं आऊँगा। ओके, आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। जेमिनी वर्गो एक्वेरियस, जेमिनी वर्गो एक्वेरियस आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतनी ईजी नहीं हो रही हैं।
योर नेम इज इनग्रेव्ड इन माई हार्ट, तुम्हारा नाम मेरे दिल पर जैसे लिखा हुआ है हमेशा के लिए इनग्रेव्ड है. आई लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ओके, मैं तुम्हें हमेशा पूरी जिंदगी प्यार करते रहूँगा. ओके, गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा वक्त तो हो सकता है इनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं ये पर्सन. आई लव द वे यू ड्रेस अप, जिस तरीके से तुम तैयार होती हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. तो आपकी लुक से, आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके कपड़े जिस तरीके से आप पहनते हैं, आप स्टाइल करते हैं, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है. ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा. इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल. बाय.